एवरी वन दिस इज पार्टी ऑफ रीजनिंग आज हम लोग क्या करने वाले है? ये जो हमारी एसबीआई क्लर्कल ठीक है, है, है? है क्योंकि होंगे वो बिल्कुल भी वैसे नहीं होंगे जैसे आपके एस बी आई क्लर्क के पेपर भी पूछे जाते हैं जी हाँ वैसे क्वेश्चन नहीं होंगे कैसे होंगे फिर क्वेश्चन क्वेश्चन होंगे उससे डिफिकल्ट ठीक है तो अगर आप सो तो अगर आप आज के क्वेश्चन देखो तो आईबीपीएस में भी आप ऐसे क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन हमें हमेशा कैसे तैयारी करनी है जो पूछा जाता है उससे हमेशा एक दो लेवल ऊपर की तैयारी करनी है ताकि अगर कुछ ऊपर नीचे आता भी है लेवल में देखो नीचे आएगा फिर तो बहुत ही ईजिली कर लोगे नीचे का लेवल आया बट अगर जो आप तैयारी कर रहे हो उससे ऊपर का आया ठीक है जैसा पेपर पूछा जाता है उससे ऊपर का आया फिर थोड़ी फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी आ जाएगी इसीलिए मैं अपने हर एक सेशन में जो लेवल होता है क्वेश्चंस का वो अच्छा रखती हूँ ठीक है चलिए एक और चीज बता देती हूँ आज के फैशन को मिस मत करना गलती से बाद में पछताओगे बहुत नहीं मानते तो देख लो क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया हैं आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छा है तो लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा चुकी हूँ इस क्वेश्चन को अभी हम लोग यहाँ पर बनाएंगे चलो बनाते हैं अब हम इस क्वेश्चन को देखो क्या कहता है क्वेश्चन में क्वेश्चन में कहता है ट्वेल्व पर्सन बारह लोग हैं सिट इन टू पैरल रोज बारह लोग हैं दो पैरल रोज हैं यानी कि छे छे इस तरीके से होंगे सिक्स पीपल सिट इन ईच रो इन रो वन रो वन में कौन कौन है सलमान सेजल श्याम सरिता शगुफ्ता एंड सोनाली आर सीटेड एंड ऑल फेस टूवर्ड साउथ इन रो ओल्ड फेस टूवर्ड साउथ ये जितने भी लोग हैं रो वन में ये छह लोग बैठते हैं सलमान सेजल श्याम सारे के से कौन सी डायरेक्शन को फेस करते हैं ये फेस करते हैं आपकी साउथ डायरेक्शन की तरफ ठीक है आगे कहते हैं इन रो टू रो टू में है लखन ललित लोकेश लवित लवलीन लक्ष्य अब देखो रो वन वाले सारे के सारे कैसे हैं एस के नाम से स्टार्ट होते हैं रो टू वाले कैसे हैं एल से स्टार्ट होते हैं तो अब हमको यहाँ पर अलग अलग जैसे हम पहले क्या करते थे अब देखो यही एक इंपॉर्टेंट चीज है पहले हम क्या करते थे रो वन बनाई रो टू बनाई रो वन के साइड में हम लोग सबके नामों को यहाँ पर देखो रो वन बनाई साइड में सबके नाम नोट करते थे क्योंकि अलग अलग से होते थे सबके लेटर्स अलग अलग होते थे तो हमें नोट करना पड़ता था क्योंकि नहीं तो हमको फिर से बार बार देखना पड़ेगा अब आसान हो गया है थोड़ा सा आसान हो गया है कैसे क्योंकि रो वन वाले सारे लोग ऐसे हैं रो टू वाले सारे लोग कैसे हैं एल से है, चलो और रो वाले कौन से हैं सारे के सारे साउथ फेसिंग है ठीक है चलो आगे देखो क्या कहता है आपका क्वेश्चन जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है कहता है द वन हु फेसेस लखन द राइट ऑफ शगुफ्ता वो पर्सन जो लखन को फेस करता है वो कहां पर बैठता right है ऊपर साउथ नीचे नॉर्थ ठीक तो है उपर, south, तो अब एल वाले सारे के सारे कौन है नॉर्थ फेसिंग है एस वाले सारे के सारे साउथ फेसिंग है ठीक है ये मैं ऊपर छोटा सा नोट कर लेते हैं हम लोग ये होंगे सारे एस वाले ये होंगे सारे एल वाले ठीक है सभी को नजर आ रहा होगा यहाँ पर चलो अब क्या कहते लखन, लखन right हैं क्योंकि है? तो पूरे -पूरे सारे ही नाम एल से हैं और रो वन वाले सारे ही नाम आपके से हैं तो लखन को फेस करने वाला जो भी पर्सन होगा सामने ठीक है वो कहां पर बैठता है सेकंड टू द राइट ऑफ शगुफ्ता वो शगुफ्ता के सेकंड राइट right पर है शगुफ्ता के सेकेंड राइट right पर है ठीक है ये हमने बनाया शगुफ्ता के सेकेंड राइट right पर अब मैंने ऐसा क्यों बनाया शगुफ्ता का सेकेंड राइट right, क्योंकि ये सभी के सभी एस yes वाले क्या हैं? साउथ फेसिंग है तो शगुफ्ता का सेकेंड राइट right इस तरीके से बनेगा आगे टू पर्सन सिट बिटवीन शगुफ्ता एंड सलमान अब शगुफ्ता और सलमान के बीच में दो लोग बैठते हैं तो यहाँ पर देखो हमारे पास ना यहाँ दो केस बनेंगे शगुफ्ता और सलमान के बीच में दो का गैप एक केस में आपका सलमान जो है इसके लेफ्ट में जाएगा एक केस में राइट पर जाएगा तो एक केस शगुफ्ता दो के गैप के बाद में यहां पर कौन आ जाएगा सलमान आ जाएगा ठीक है और एक और केस हम यहाँ पर बना लेते हैं देखो लखन आपका यहाँ पर है लखन के सामने जो भी पर्सन है वो शगुफ्ता के थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा हमको यहां पर इसको ठीक है ये बन गया क्या किया है? ये तो दो का तो शगुफ्ता और सलम पर शगुफ्ता और सलमान के बीच का गैप दो यहाँ पर ऐसे बन गया ठीक है तो ये देखो यहाँ पर देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया यानी कि सलमान जो है वो एक एंड पर आ चुका है इस केस में और इस केस में अभी सलमान यहां पर है शगु शगुफ्ता यहां पर टोटल चार हुए हैं चलो देखते हैं आगे क्या कहता है ऑफ लोकेश लखन लोकेश के इमीडिएट लेफ्ट पर ठीक है लखन कहां पर बैठता है लोकेश के इमीडिएट लेफ्ट पर, पर तो लोकेश यहां पर आ जाएगा उसका इमीडिएट लेफ्ट क्योंकि ये क्या है नॉर्थ फेसिंग तो इस केस में भी लोकेश आपका यहां पर आ जाएगा इसके सामने इसके सामने ठीक है लखन के सामने ये लोकेश के सामने ये चलो आगे देखते हैं लक्ष्य सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ललित लक्ष्य कहां पर बैठता है ललित के थर्ड राइट पर अब ललित कहां पर है ये हमें पता नहीं है तो हम नोट कर लेते हैं ललित के थर्ड राइट पर कौन है आपका लक्ष्य ऐसा आ जाएगा ललित फिर दो के गैप के बाद में आपका लक्ष्य आ जाएगा क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग है आगे थ्री पीपल तीन लोग बैठते हैं है, जो लवित है वो कहां पर है एक एंड पर है ठीक है लवित एक एंड पर है लोकेश और लवित के बीच में तीन लोग तो जरा देखो लोकेश आपका यहाँ पर है इस केस में तो लवित कहाँ पर आएगा एक दो तीन लवित आएगा यहाँ पर यानी कि सलमान सलमान के सामने ठीक है सलमान और लवित आमने सामने हो गए ये वाला केस में हमारे छे छे का हमें एग्जैक्ट पता चल गया है कि छे छे दोनों के एंड्स पता चल गए हैं ठीक है राइट राइट लेफ्ट एंड्स पता चल गए तो थ्री फोर फाइव सिक्स इस केस में तो हमें दिख रहा है ये हो गया अब यहां पर देखते हैं ललित के थर्ड राइट पर लक्ष्य को बनाना है और लोकेश और लवित के बीच में तीन का गैप ठीक है लोकेश और लवित के बीच में तीन का गैप तो जरा देखो लोकेश यहाँ पर है हमें लवित को बनाना एक एक्सट्रीम एंड पर तो लवित आपका अगर आगे बनाओगे तो वन टू थ्री लवित ऐसा होगा हम देख रहे हैं कि यहाँ बना सकते हैं कि नहीं और लखन के यहाँ पर एक और पर्सन आएगा सलमान के सामने वाला तो ये कितने पर्सन हुए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो गए यानी कि, कि लोकेश और लवित के बीच में तीन का गैप उस डायरेक्शन में नहीं बनेगा किस डायरेक्शन में बनेगा इस डायरेक्शन में लोकेश और लवित के बीच में गैप इधर बनेगा तो लोकेश आपका यहां पर है एक दो तीन लवित आपका आ गया यहां पर और यही तो उसने बोला है लवित कहां पर है आपका एक, एक एक्सट्रीम एंड पर आएगा तो लवित यहां पर है तो देखो लखन के सामने ये वाला पर्सन ये वाला पर्सन सलमान के सामने ये वाला तो यहाँ पर एक और दो पर्सन आ जाएंगे एक ये एक ये ठीक है तो ये हमें समझ में आ गया लोकेश के सामने का ये पर्सन और एक आ जाएगा शगुफ्ता के सामने वाला तो देखो वन 2 3 4 5 6 यहां पर भी छह लोग पूरे हो गए यहां पर भी हमारे जो हैं छह लोग जो हैं वो यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं मोर देन टू पर्सन सिट बिटवीन सोनाली एंड सरिता सोनाली और सरिता के बीच में दो से ज्यादा लोग हैं सरिता के लिए कहते हैं हु डज नॉट सिट एट द एंड सरिता जो है वो एंड पर नहीं आती है ठीक है क्या कहता है सोनाली और सरिता के बीच में मोर देन टू पर्सन हैं और जो सरिता है वो एंड पर नहीं आएगी ठीक है सरिता एंड पर नहीं आएगी हमने इसको नोट कर लिया है ललित के थर्ड राइट पर लक्ष्य आना चाहिए तो जरा देखो ये कहां पर आ सकता है यहां पर देखें तो अगर ललित यहां पर आए तो दो के गैप के बाद में यहां पर लोकेश है तो एक ही जगह दिख रही है ललित आपका आ सकता है इस जगह पर ललित के थर्ड राइट पर हमने बना दिया किसको लक्ष्य को ठीक है ये हमारा बन गया अब अगर हम इस केस में देखें तो ललित आपका यहाँ पर आएगा तो दो के गैप के बाद में तो ललित आ गया ललित ना आपका यहाँ पर आ सकता ना यहाँ पर आ सकता ना यहाँ पर तो यानी कि वो वाला केस हमारा जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो गलत हो गया वो वाला केस जो है हमारा गलत हो गया करेक्ट वन कौन सा होने वाला है ये वाला क्योंकि वहां पर हम ललित और लक्ष्य को प्लेस नहीं कर पा रहे हैं चलो इसको हटा देते हैं फिर इसको भी बना चुके हैं हटा देते हैं चलो उसने बोला सोनाली और सरिता के बीच में दो से ज्यादा लोग तो जरा एक बात देखो दो से ज्यादा कम से कम तीन तो होंगे कम से कम तीन तो देखो हमें यहां पर तीन का स्पेस वन टू थ्री यही तीन जगह पर दिख रही है एक दो तीन का गैप और फिर सोनाली और सरिता आपके यहाँ पर आ जाएंगी सरिता आपके एंड पर नहीं है तो सरिता यहां पर नहीं आकर सरिता आपकी आ जाएगी यहां पर और सोनाली आपकी आ जाएगी एंड पर ठीक है आई होप आप समझ रहे होंगे सोनाली और सरिता के बीच में कम से कम तीन तो होने चाहिए उसने ग्रेटर देन टू बोला है. तो तीन तीन ही बनते हैं तीन से ज्यादा बन भी नहीं सकते वन टू थ्री ठीक है चलो आगे वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ सलमान लवली सलमान का वन ऑफ द इमीडिएट नेबर है वो लवलीन को फे, आ, को फेस करता है तो सलमान का इमीडिएट नेबर ये भी है ये भी है ये किसको फेस करता है लखन को यानी कि सलमान का ये वाला इमीडिएट नेबर किसको फेस करेगा लवलीन को ठीक है है ये आपका लवलीन ये है लवित और ये है आपका लवलीन अब बस हो गया हमारा क्वेश्चन कहता है वन फेसेस लक्ष्य जो पर्सन लक्ष्य को फेस करता है उसके सेकंड राइट पर सेजल है लक्ष्य को फेस करने वाला पर्सन ये उसके सेकंड राइट पर कौन है सेजल तो सेजल आपकी आ गई यहां पर अब जो भी आपका पर्सन ऐसे बचता है वो यहां पर आ जाएगा जरा देखो कौन बचता है श्याम बचता है तो यहाँ पर आ गया आपका श्याम अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे है ना कोई भी क्वेश्चन पूछे अब आप इजिली आंसर कर सकते हैं थोड़ा सा लगा होगा कि ये जो क्वेश्चन है क्लर्क में ऐसा नहीं पूछा जाता है क्लर्क के हिसाब से इसका जो लेवल है वो अच्छा है बेटर है ठीक है क्लर्क में ऐसा क्वेश्चन कम चांसेस है पूछे जाने के लेकिन हम तैयारी क्यों कर रहे हैं इसकी ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन गलती से भी आ जाए तो हम लोग उसमें चूके नहीं हम लोग उसको सॉल्व कर पाए ठीक है क्वेश्चन अगर समझ में आया अच्छा लगा सेशन अच्छा लग रहा है सेशन तो क्या करना है सभी को सेशन को लाइक like करना है शेयर करना है और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना है ठीक है चलो फटाफट से अब हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन के इस पजल के आगे फर्दर क्वेश्चन तो लीजिए ये रहे क्वेश्चन who among the followings its exactly between श्यामन और शगुफ्ता श्याम और शगुफ्ता के बीच में कौन बैठता है चेक करते हैं श्याम ये रहा शगुफ्ता ये रही तो इनके एग्जैक्टली बीच में ये सेजल आएगी श्याम ये रही ये रहा शगुफ्ता ये इनके एग्जैक्टली बीच में आई ये सेजल तो सेजल कहां पर मिली ए ऑप्शन में मिल गई लीजिए सही हो गई who among the following faces सलमान? सलमान को कौन फेस करता है कौन करता है बताइए ठीक है बता दीजिएगा कहाँ बताना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि सलमान को कौन फेस करता है ठीक है चलो फटाफट से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा चलिए देखिए क्या कहते हैं नाइन नोटबुक्स आर केप्ट वन अनदर एंड दे आर ऑफ नाइन डिफरेंट स्टूडेंट्स नाइन नोटबुक्स नोटबुक्स हैं ठीक है नो नोटबुक्स हैं उनको एक के ऊपर एक इस तरीके से प्लेस किया गया है एंड दे आर ऑफ नाइन डिफरेंट स्टूडेंट्स ये अलग अलग स्टूडेंट्स की हैं और स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं आदिल भूवी छवि यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई ठीक है आदल, A, B, C, D, e, F, G, H, चलो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया द नोटबुक ऑफ ईशा आगे आपका क्वेश्चन से स्टार्ट होता है नोट बुक ऑफ ईशा इज केप्ट एट वन ऑफ द थर्ड टॉप मोस्ट प्लेसेस कहने का मतलब है कि जो ईशा की नोटबुक है वो कहां पर है वन ऑफ द थ्री टॉप मोस्ट जो ऊपर की तीन टॉप की बुक्स है ना वो ईशा की हो सकती है यानी कि सबसे ऊपर वाली उसके जस्ट नीचे और उसके जस्ट नीचे जो ऊपर वाली तीन नोटबुक्स हैं वो ईशा की हो सकती है उनमें से कोई ईशा की है ठीक है तो ईशा की जो नोटबुक है वो वहां पर रखी गई है द नोटबुक ऑफ ईशा इज केप्ट एट वन ऑफ द थ्री टॉप मोस्ट प्लेसेस ठीक है आगे थ्री नोटबुक्स आर केप्ट बिटवीन द बुक ऑफ फैजल एंड नोटबुक ऑफ ग्रीस चलो पहले इसे नोट कर लेते हैं ईशा की नोटबुक्स अब यहां पर यहां पर यहां पर आ सकती है ठीक है तो चलो देखते हैं कहां कहां पर आ सकते है एक बार रुक जाते हैं हमें पता है ई आपका यहां पर यहां पर और यहां पर आ सकता है थ्री नोटबुक्स आर बुक्स बिटवीन द बुक ऑफ फैजल एंड नोटबुक ऑफ गिरीश विच इज नॉट केप्ट जस्ट अब और बिलो नोटबुक ऑफ ईशा ईशा के जस्ट ऊपर और नीचे गिरीश की बुक नहीं आएगी ईशा के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे गिरीश की जो नोटबुक है वो नहीं आएगी और क्या कहता है तीन नोटबुक हैं किसके फैजल और गिरीश के बीच में एफ और जी के बीच में तीन का गैप है उसने आपको ये बता दिया है चलो इशिता नोटबुक इज एट वन ऑफ द प्लेसेस बिलो द नोटबुक ऑफ छवि इशिता की नोटबुक कहां पर है छवि के कहीं नीचे यानी कि सी के कहीं नीचे आपकी आई की नोटबुक आ जाएगी ठीक है आगे नंबर ऑफ नोटबुक्स केप्ट बिलो द नोटबुक ऑफ फैजल इज थ्री मोर देन द नंबर ऑफ नोटबुक्स अबव द नोटबुक ऑफ ईशा क्या कहता है ईशा की नोटबुक के ऊपर जितनी बुक्स हैं और फैजल के नीचे जितनी है फैजल के नीचे कितनी बुक्स आएंगी तीन ज्यादा आएंगी फैजल के नीचे तीन ज्यादा किससे तीन ज्यादा ईशा के ऊपर जितनी आएंगी ठीक है समझे इस चीज को हमें पता है ईशा ने यहां यहां पर आना है ईशा के ऊपर जितनी बुक्स हैं फैजल के नीचे तीन ज्यादा मान यानी कि वो कहने कहना चाह रहा है आपको कि अगर ईशा के ऊपर एक्स नोटबुक्स हैं तो आपके जो फैजल है उसके नीचे x प्लस थ्री नोटबुक्स आ जाएंगे ठीक है चलो हमने बना लिया एक बार तो देखो हम क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट कर सकते हैं हाँ कर तो सकते हैं एक तो हमें ई का पता है कि ये तीन प्लेसेस हैं तीन केसेस बनते हैं चलो कोई नहीं देखते हैं फिर हम ई e से कहां तक पहुंच जाएंगे एफ तक एफ से हम जी तक पहुंच जाएंगे तो क्वेश्चन को हम बना तो सकते ही हैं

जी के नीचे कितनी तीन अब जी और एफ के बीच में गैप है तीन का वन टू थ्री एफ यहां पर आया अब हमें पता है यहां पर जी नहीं आएगा देखो हम गलत कर रहे हैं ई e के ऊपर जितनी एफ के नीचे यहां पर आपका आएगा क्या एफ उल्टा पढ़ लिया एफ यहां पर और एफ और जी के बीच में गैप कितना है तीन का तो जी यहाँ पर ये गलत नहीं होगा ये वाला केस क्योंकि ए और जी तो ऊपर नीचे ऐसे एक दूसरे के आ नहीं सकते जी ना तो ई के इमीडिएट नीचे है ना ही ऊपर है ठीक है तो ये वाला केस तो हमारा गलत हो गया ई आपका नाइन्थ पर तो आ नहीं सकता भाई चलो अब ई को हम एक बार यहाँ पर बनाते हैं ई यहाँ पर आया तो जी कहाँ पर आ जाएगा आपका ई ने ई आया तो एफ ध्यान रखना एफ मैं बार बार जी बोल रही हूँ ठीक है एफ आपका यहाँ पर आ जाएगा ई के ऊपर एक एफ के नीचे चार अब ई अगर आपका यहाँ पर आएगा ठीक है सेवन क्योंकि टॉप की तीन पोजिशन पर ही ईशा की नोटबुक है ना तो एफ आपका कहां पर आ जाएगा एफ यहां पर नहीं आ जाएगा ठीक है चलो इतना हमने बना लिया अब आगे फर्दर करते हैं इसको सॉल्व एफ और जी के बीच में गैप है तीन का एफ यहां पर है एक दो तीन जी आपका यहां पर ठीक है ऊपर भी आ सकता था वन टू थ्री जी यहाँ पर हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ई e और जी साथ में नहीं आएंगे एफ यहाँ पर है तो एक दो तीन जी आपका यहाँ पर ऊपर वन टू थ्री गैप ही नहीं है तो ये बन गया हमारा अभी तक ये बन गया जी से हम ए तक जाएंगे जी और ए के बीच में दो का गैप है तो वन टू ए आपका यहाँ पर वन टू ए आपका यहाँ पर आगे देखो आगे हमारा क्वेश्चन कहाँ से है यहां से देखो थ्री आर कैप आदिल. आदिल के के आएगी और गैप कितना है तीन का आदिल के ऊपर भूवी वन टू थ्री ये तो केस गलत हो गया वन टू थ्री यहाँ पर ई है यहाँ पर भूवी आ रहा है तो यानी कि ये केस हो गया गलत यहाँ पर ये सही होगा वन टू थ्री भूवी आपका यहाँ पर नाइन्थ पर आ गया नाइन्थ जो नोटबुक है वो भूवे की है चलो इतना क्वेश्चन हुआ आगे देखते हैं कहते हैं ओनली वन नोटबुक इज कैप्ट बिटवीन द नोटबुक ऑफ दिव्या एंड नोटबुक ऑफ हेमा विच इज नॉट कैप्ट एट द बॉटम डी और एच के बीच में दिव्या और हेमा के बीच में एक ही नोटबुक है और हेमा की बॉटम मोस्ट पोजीशन पर नहीं है हेमा की यहां पर नहीं है और डी के बीच में एक का गैप है तो जरा देखो एक का गैप यहां पर हमें तो क्लियरली नजर आ रहा है सिर्फ थर्ड और फर्स्ट पर एक का गैप आ सकता है चाहे यहाँ पर डी को प्लेस करो एक छोड़कर एच नहीं आ सकता वहां पर डी को प्लेस करोगे तो एच कहा आएगा तो डी और एच के लिए थर्ड और फर्स्ट लेकिन एच ने नीचे नहीं आना तो एच आपका यहां पर आपका यहां पर डी आपका अब पूरा पूरा का क्वेश्चन तो देखो हम यहाँ पर नोट कर चुके हैं अब हमारा क्या बचता है हमारा बचता है सी के नीचे आई आएगा तो सी आपका यहाँ पर आई तो आपका यहाँ पर लीजिए क्वेश्चन इज डन क्वेश्चन इज कंप्लीटेड कुछ भी पूछे कर सकते हैं ना आंसर है ना चलो ये क्वेश्चन आपके क्लर्क में पूछा जा सकता है ठीक है ऐसा क्वेश्चन आपके क्लर्क में पूछा जा सकता है चलो क्वेश्चन समझ में आया सेशन अच्छा लग रहा है तो क्या करना है? भूलना नहीं है लाइक जरूर करना है सेशन को ठीक है चलो ये है क्वेश्चन क्या कहते हैं हाउ मेनी नोटबुक्स आर केप्ट बिटवीन द नोटबुक ऑफ आदिल एंड नोटबुक ऑफ हेमा आदिल और हेमा के बीच में कितनी नोटबुक्स हैं इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाली हूं आप सभी को देना है कमेंट सेक्शन में ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा देखो क्या कहता है क्वेश्चन में फोर्टीन पर्सन चौदह लोग हैं ये ईव जोए केट किम लिव पर्ल टिया ये सभी के सभी नाम हमें नोट करने पड़ेंगे क्योंकि काफी सारों के इनिशियल सेम सेम हैं ये कहाँ पर रहते हैं लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर ऑफ फो फोर्टीन स्टोरी बिल्डिंग ये चौदह लोग हैं चौदह स्टोरी बिल्डिंग है बॉटम ऑफ फ्लोर इज नंबर एज वन उसके ऊपर की टू एंड सो ऑन ठीक है तो पहले तो हमें ये बनाना पड़ेगा चलिए ये हमने नोट कर लिया अब देखो कहता है ईव लिव्स ऑन नंबर फ्लोर बट नॉट एडजेसेंट टू मैक्स ईव जो है वो प्राइम नंबर फ्लोर पर रहती है लेकिन मैक्स के एडजेसेंट नहीं तो ईव रहती है प्राइम नंबर फ्लोर पर तो ईव आपके यहाँ थर्टीन्थ पर आ सकती है इलेवेंथ पर आ सकती है सेवेंथ पर आ सकती है फिफ्थ पर भी आ सकती है ऐसे तो बहुत सारी थर्ड पर भी आ सकती है सेकेंड पर भी आ सकती है ठीक है तो ईव के लिए ये सब जगह है लेकिन ईव जो है वो मैक्स के साथ में नहीं आएगी ना तो उसके नीचे ना ही उसके ऊपर तो ये हमने इसको यहां पर इस तरीके से नोट कर लिया आगे कहते हैं टिया लिव्स बिलो नील टीया कहाँ पर रहती है नील के नीचे नील के नीचे कौन आएगी नील के कहीं नीचे आएगी आपकी टिया आगे जोई डिव अब जिया जो जो है वो जी आई गिवन है जोये जिया के ऊपर नहीं रहता है यानी कि जोए कहां पर रहता है जिया के नीचे जिया के नीचे कौन आएगा आपका जोए आएगा जैक लिव ऑन फोर्थ फ्लोर आपका जो जैक है वो कहां पर रहता है फोर्थ फ्लोर पर रहता है इसे हमने नोट कर लिया देखो कहते हैं नील लिवस फोर्थ टू द ऑफ जो एंड बोथ लिव ऑन प्राइम नंबर फ्लोर नील कहां पर रहता है फोर्थ टू द ऑफ जो नील रहता है जो के ऊपर क्या कहता है नील जो है वो रहता है जो के ऊपर फोर्थ फ्लोर ऊपर जो के फोर्थ फ्लोर ऊपर यानी कि हम गैप कितना बनाएंगे फोर्थ फ्लोर अब बोला है बिलो बोलता तो भी गैप हम हमेशा एक कम कर लेते हैं तो यहां पर देखो वन फ्लोर अबव टू फ्लोर अबव थ्री फ्लोर अबव फोर्थ फ्लोर अब अब ठीक है ये मुझे बार बार सिखाने की जरूरत नहीं है मैं बहुत बार बता चुकी हूं और नील और जो दोनों ही कहां पर है प्राइम नंबर पर है दोनों ही प्राइम नंबर पर है तो जरा चेक करो अगर जो आपका यहां पर आएगा तो तीन के गैप के बाद में पर आ जाएगा दैट मीन्स यहां पर आपका जो नहीं आ सकता थर्ड पर चेक करते हैं जो यहां पर आया तो तीन के गैप के बाद में सेवन आ जाएगा यानी कि एक केस तो आपका ये सही बन रहा है जो यहां पर फिर तीन के गैप के बाद में नील आपका यहां पर ठीक है एक केस तो ये बना और जैक आपका फोर्थ फ्लोर पर है ही और चेक करो फिफ्थ फ्लोर आपका कौन सा है प्राइम है तो जो तीन के गैप के बाद में नाइन नाइन जो है वो प्राइम नंबर नहीं है देखो फिफ्थ आपका फिफ्थ uh, फ्लोर आपका क्या है प्राइम नंबर है नाइन नहीं है तो जो आपका फिफ्थ पर नहीं आ सकता अब सेवन पर चेक करते हैं जो अगर यहां पर आएगा तो तीन ऊपर वन टू थ्री के गैप के बाद में इलेवन विच इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर तो यहां पर आ सकता है इसके अलावा और चेक करो आपका इलेवेंथ पर आएगा फिर आपका जो जो यहां पर आया तो तीन के गैप के बाद में ऊपर फिफ्टींथी फ्लोर है मैक्सिमम हमारे तो ये दो केसेस बनते हैं हमारे पास जोर निखिल की वजह से ठीक है चलो अब नील का हमें पता है नील के नीचे टिया आएगा अब नील के नीचे तो बहुत सारी जगह है तो चलो उसको बाद में देखेंगे आगे देखते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं जिया लिव्स ऑन थर्टींथ फ्लोर जिया कहां पर रहती है थर्टींथ फ्लोर पर आपकी जिया रहती है तो यहां पर आ गई जिया यहां पर आ गई जिया कहता है केट लिव्स द सेकंड 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 टू ऑफ के उपर, जो के ऊपर फ्लोर लिवज केट तो जो आपकी कहां पर है यहां पर है तो आपकी केट यहां पर आ जाएगी जो, यही बोला गया है ना हां जो के ऊपर एक छोड़कर केट यहां पर उसने क्या बोला है ये जो बोल रहा है ना सेकंड टू द अब इसका मतलब टू फ्लोर अबव सेकंड टू दबव का मतलब क्या है

इस पूरे केस में हमें एक ही जगह दिख रही है इलेवेंथ है हमारा क्या ओड नंबर फिर एक छोड़कर मैक्स ओड नंबर और कहीं पर हमें नजर ही नहीं आ रहा ठीक है लिव मैक्स यहां पर एक छोड़कर आएगा नहीं तो एक ही जगह दिख रही है लिव आपका यहां पर आएगा एक छोड़कर मैक्स आपका यहां पर अब देखते हैं इस वाले केस में कहां पर जगह है फोर्टींथ ट्वेल्थ टेंथ एट्थ सिक्स फिफ्थ यहां पर देखो लिव एक छोड़कर मैक्स यहां पर आ सकता है और आपका लिव और मैक्स यहां भी आ सकता है थर्ड पर लिव एक छोड़कर मैक्स तो यहां पर हमारे लिवोर मैक्स के ना दो केसेस बन रहे हैं ठीक है और मैक्स के दो केसेस बन रहे हैं तो अब यहां पर इसको कैंसिल क्या हम कर सकते हैं देखो सोचो सोचो अब एक चीज देखो इस वाले केस में एक बार देखो थर्टींथ कैंसिल ईव के लिए चेक करते हैं यहां पर ईव नहीं आ सकता जिया है लिव है ईव नहीं आ सकता यहां पर नील है यहां पर केट है यहां पर जो है एक ही जगह बचती है ईव के लिए यहां पर तो इस वाले केस में भी हमारे ईव की ऐसे ही जगह बचती होगी तो लिव और मैक्स हम लोग देखते हैं लिव और मैक्स को ही बनाना है ना हमने चलो देखो अगर हमने लिव को बनाया यहां पर और एक छोड़कर मैक्स को बनाया यहां पर तो ईव के लिए जगह कहां पर बचेगी सेम हो गया जिया नील केट यानी कि मैं कौन से बता रही हूं जहां जहां पर ईव आपका नहीं आ सकता इस वाले केस में ये कैंसिल हो गई जिया ये कैंसिल हो गई नील है ये कैंसिल हो गई जो है ये कैंसिल हो गई अगर हम यहां पर एल को को लिव बनाते हैं तो ये भी कैंसिल हो गई जब हम एम को सेकेंड पर बनाते हैं तो ईव के लिए एक ही जगह बचेगी सेकंड पर तो ईव आपकी यहाँ पर आएगी जो कि उसने स्पे, स्पेशली बोला था ईव और मैक्स साथ में नहीं आएंगे दैट मींस कि हम एल ओर एम को जहां पर बना रहे हैं गलत बना रहे हैं क्योंकि ई और एम साथ में नहीं आ सकते तो इसका मतलब एल यहां पर ना आकर आपका लिव आएगा यहां पर एक छोड़कर मैक्स आएगा आपका यहां पर अब ईव की जगह देखो अब हमारा ईव कहां पर आ सकता है अब हमारे ईव के लिए एक और जगह बचती है यहाँ सेकेंड फ्लोर पर तो नहीं आ सकता फिफ्थ पर आ जाएगा आपका ईव तो लीजिए बन गया हमारा अभी इतना क्वेश्चन सोल्व हो गया है लेकिन अभी इन दोनों में से भी तो हमारा एक केस सही होगा एक गलत होगा उसको देखते हैं चलो जेम देखो जैम लिव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर हमने तो ऐसे ही मेहनत की जेम फर्स्ट फ्लोर पर रहता है तो जैम आपका यहां पर आ गया ये वाला केस तो हो गया गलत ठीक है अब चेज टू द बिलो ऑफ जो क्या कहता है चेज कहां पर रहता है लिव्स सेकंड टू द बिलो ऑफ किम इसको हटा देते हैं नोट कर चुके हैं किम के सेकंड टू द बिलो यानी कि एक फ्लोर का गैप आ जाएगा यहां पर है चेज और किम के लिए कहता है हुए जो किम है वो कहां पर रहती है जोए के एक नीचे ठीक है जोए के एक नीचे जिया के नीचे जोए है ठीक है जिया के नीचे जोए है उसने बोला है और यहां पर किम जो है वो आपका जोए के एक ग, एक गैप आएगा फ्लोर का सेकंड टू द बिलो बोला है और किम का बोला सेकंड टू द ऑफ चेज तो जोए एक छोड़कर किम फिर किम एक छोड़कर चेज ऐसा एग्जैक्ट हमें बनाना है और जिया के नीचे आएगा आपका जोए तो जिया के नीचे जोए आएगा तो देखो कहां पर आ सकता है जोए एक छोड़कर किम एक छोड़कर आपका चेज ये बन सकता है ठीक है और क्या बन सकता है अगर यहां पर जोए को बनाते हैं तो जोए एक छोड़कर किम एक छोड़कर चेज लीजिए यहां पर तो अभी फिर से दो केस बन रहे हैं एक तो अगर हम जोए को यहां पर बनाते हैं ठीक है फिर एक छोड़कर किम आपका यहां पर आ जाएगा एक छोड़कर आपका चेज यहां पर आ जाएगा और एक केस क्या बनता है हम जोए को यहां पर बनाए एक छोड़कर हमारा किम यहां पर और एक छोड़कर चेज हमारा पर तो दो केसेस बन रहे हैं अब यहां से हम कैसे देखो हो गया हमारा सोल नील के नीचे टी आएगी तो नील के नीचे यहां पर तो टी आएगी तो ये जहां पर हम सी बना रहे थे चेज को बना रहे थे ये वाला केस नहीं है पॉसिबल जो ये आपका आ जाएगा यहां पर किम यहां पर और चेज यहां पर लीजिए क्वेश्चन हो गया जो भी अब आप पर्सन आपका बचता है वो आ जाएगा फोर्टीन फ्लोर पर पर्ल पर बचती है आपकी तो पर्ल आ जाएगी फोर्टीन फ्लोर पर लीजिए क्वेश्चन इज कंप्लीटेड अब वो आपसे कुछ भी पूछे अच्छा क्वेश्चन था ये काफी है ना अच्छा क्वेश्चन था ये आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा चलिए इसका क्वेश्चन है ये इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कहां पर बताना है कमेंट सेक्शन में बताना है चलो इसके बाद में हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन का चलिए बनाते हैं अब हम इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है देयर इज अ फैमिली ऑफ सेवन मेंबर्स ये सात लोग दिए गए हैं इन सात लोगों की आपकी फैमिली है कहता है एल इज मदर ऑफ सीज मदर एल मदर है सी की मदर की एल इज मदर ऑफ सीज मदर तो क्या मतलब है एल इज मदर ऑफ सीज मदर यानी कि एल जो है वो नानी हुई एल इज मदर ऑफ सीज मदर सी की मदर की सी की मदर की मदर है एल यानी की L जो है वो C की नानी हुई अगर हम हिंदी में बोले तो वाई इज सीज मैटरनल अंकल वाई कौन है सी के मैटरनल अंकल मेटरनल अंकल यानी की सी के मैटरनल अंकल सी की मम्मी के भाई होंगे सी की मम्मी के भाई सी की मदर के ब्रदर कौन हो गए वाई कौन है वाई अंकल है सी के चलो Z is N's mother. Z जो है वो N की मदर है ठीक है Z कौन है N की मदर है N इज C's ब्रदर N जो है वो C का ब्रदर है N आपका क्या है C का ब्रदर है और Z N की मदर है यानी कि C और N की मदर कौन है Z है तो ये हमें पता चला कहता है is इज मैरिड टू Z की शादी किसके साथ हुई है T के साथ तो T मैरिड टू Z ये बना दिया आगे D इज मैरिड टू T's मदर इन law D की शादी किसके साथ हुई है T की मदर इन लो टी की मदर इन लो कौन है टी की वाइफ की मदर ये हुई कौन एल जो है कौन हुई टी की मदर इन लो और डी की शादी हुई है टी डी की शादी हुई है टी की मदर इन लो से तो टी की मदर इन लो के साथ शादी किसकी हुई है डी की तो यहाँ पर आ गया डी लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन पर्सन थे ना फैमिली में लीजिए हो गया है क्वेश्चन कंप्लीट कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं हाउ इज सी रिलेटेड टू डी सी का रिलेशन डी के साथ अब देखो सी का रिलेशन कैसे बता सकते हो या तो हमें आइदर ओर में गिवन होगी ग्रैंड सन या ग्रेड डॉटर ऐसा भी नहीं है अकेला ग्रैंडसन दियान वाई के साथ में क्या है टी जो है वाई का क्या लगता है ब्रदर इन लो लगता है तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है ये क्वेश्चन हो गया हमारा चलो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीजिए क्वेश्चन है सिलॉग्स का बहुत ही फेमस बहुत ही प्यारा टॉपिक चलिए देखिए क्या कहता है पहली स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग ओनली बटरफ्लाई इज ब्यूटिफुल ओनली बटरफ्लाई इज ब्यूटिफुल मीन्स ऑल ब्यूटिफुल इज बटरफ्लाई तो हम लोग बनाते हैं इसको ऑल ब्यूटिफुल इज बटरफ्लाई स्टार मार्क करना नहीं भूलना इस ब्यूटीफुल का रिलेशन सिर्फ इज ब्यूटिफुल इस ब्यूटीफुल का रिलेशन सिर्फ बटरफ्लाई के साथ में है ठीक है आगे सम बग्स आर बटरफ्लाई आगे नो ग्रास होपर इज बटरफ्लाई इस पूरे बटरफ्लाई से कौन दूर है ग्रास होपर चलो हमारा जो वेन डायग्राम है स्टैंडर्ड दैट इज रेडी फटाफट से कंक्लूजन को देखो अभी पहला कंक्लूजन ऑल ग्रास होपर्स आर बर्ग्स सारे के सारे जो आपके ग्रास होपर्स हैं वो क्या है बग्स हैं सारे के सारे ग्रास होपर बग्स हैं ऐसा तो हमें बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है ठीक है तो ये क्या हुआ गलत हो गया नेक्स्ट सम बग्स आर बग्सिफुल इज अ पॉसिबिलिटी कि बग्स बग्स सम पॉसिबिलिटीफुलसिबिलिटी ब्यूटिफुल ठीक है थीके? और ब्यूटीफुल को हमने स्टार मार्क किया हुआ है तो ब्यूटीफुल सिर्फ और सिर्फ उस बटरफ्लाई का पोर्शन है और किसी का नहीं हो सकता तो बग हो चाहे ग्रास होपर हो किसी का रिलेशन इस ब्यूटीफुल के साथ नहीं होगा तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया तो पहले क्वेश्चन में आपके दोनों ही कंक्लूजन फॉलो करते हैं यहां पर उसने पॉसिबिलिटी पूछी है चाहे पॉसिबिलिटी ना भी पूछता सिंपल भी पूछता तो भी ये क्या होता गलत होता ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहला स्टेटमेंट देखो ओल्ड पेंसिल आर पेन No pen is eraser. पूरा का पूरा जो पेन है आपका वो इरेजर से दूर है ओनली अफ्यू इरेजर यानी कि ठीक है स्टैंडर्ड वन डायग्राम इज रेडी कंक्लूजन देखते हैं चलो सम पेन इज शार्पनर पेन आपका यहां पर है शार्पनर यहां पर है हमें कोई भी इनके बीच में एज सच कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा है ठीक है, है, है. है गलत नो पेनल शार्पनर अगेन ये भी हमें नहीं नजर आ रहा तो दोनों ही कंक्लूजन गलत है पेन शार्पनर पेन शार्पनर ठीक है हमें दोनों एलिमेंट सेम मिले और दोनों के दोनों कंक्लूजन है भी गलत सम और नो सम और नो के बीच में आपका आईधर ओर लगता भी है तो यहां पर आपका कौन सा सही है ना इधर नहीं करके आना इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और फॉलो करता है है ठीक चलिए सो so, अभी आज के सेशन में हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं ना इंपॉर्टेंट सीटिंग अरेंजमेंट्स किए हैं पजल किए हैं और एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने आपको ओनली का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है आपको ओनली अफ यू का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है ठीक है तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए आपको क्या करना है क्या करना है तैयारी करनी है बहुत मेहनत करनी है एसबीआई का पेपर एक ऐसा पेपर है आप क्लर्क का पेपर बहुत ही आसानी से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि आप बहुत सारे पेपर्स अभी देकर आए बैठे हो है ना बहुत सारे पेपर्स अभी देकर आए बैठे हो तो इस पेपर को तो निकाल सकते हो तो इसलिए अब पीछे मत हटो अब जो टाइम बचा है मेहनत करते रहो ट्रस्ट मी निकाल जाओगे ठीक है चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में टेक केयर एवरी तैयारी करते रहिए